नाम है वी लुकअप, ठीक है। अब वी फोर होता है वर्टिकल, है ना, कहानी क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये टेबल है एम्प्लॉय नेम, पोस्ट, ठीक है, बेसिक सैलरी, एचआरए, ठीक है, मंथली अलाउंस, टीए वगैरह वगैरह, ओके। अब हम करेंगे क्या कि हम यहां पे एक नाम लिखेंगे, ठीक है, और उस नाम के पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम में या पांचवें कॉलम में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम लोग सर्च करेंगे, ठीक है, यानी देखेंगे। समझ में आ रही है बात? मेरे ख्याल से ये वी लुकअप नहीं होना चाहिए, ये एच लुकअप होना चाहिए, क्योंकि वी लुकअप तो ऐसे होगा, एच लुकअप ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टल, ये एच लुकअप होना चाहिए। चलिए, तो कोई बात नहीं, हो सकता नाम में गलती हो गई हो। चलिए इसको करके देखते हैं। कहानी क्या है? कहानी ये है कि हम बिना देखे, ये एक नाम है, इस नाम का टीए कितना है, तो अगर हमको ये जानना है तो हमको इस नाम पे आना पड़ेगा, उसके बाद हमको इस कॉलम से आगे बढ़ना होगा और यहां आकर टीए देखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो पहले हम देखते हैं इक्वल टू एच एल डबल ओ के यू पी, एच लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब ये आपसे क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू दो, टेबल एरे दो, रो इंडेक्स नंबर दो, ठीक है। अब कौन सी चीजें कहां पे होती है, किसको क्या कहा जाता है, इसके लिए मैं काम करते हैं, पूरे डेटा को हम यहां से कॉपी करते हैं, एक नए में लेके जाते हैं, एक नए फाइल में लेके चलते हैं। सेकंड वाले सीट पे हम आ गए, फर्स्ट वाले सीट पे नहीं है, हम सेकंड वाले सीट पे आ गए, डेटा पेस्ट कर दिया, ठीक है। ओके, यहां तक आ गया मेरा काम। अब जब हम एच लुकअप किए थे, ओके, तो हमसे क्या क्या मांगा जा रहा था, लुकअप वैल्यू मांगी जा रही थी, उसके बाद टेबल एरे और रो इंडेक्स नंबर, यही ना। अब सबसे पहले आपको टेबल एरे बनाना पड़ेगा। अब टेबल एरे बनाने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि आप इसका नाम चेंज कर दो, सेलेक्ट करो और यहां से इसका नाम चेंज कर दो, ठीक है। जैसे इस सेल का नाम क्या है अभी, I3, हम इसको कहते हैं गेट डाटा। सपोज एक इसका नाम चेंज करते हैं, गेट डाटा, ओके। अब I3 जो है वो जितना सीट लेंगे सब में I3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सब में मिलेगा, I3 नाम जो है वो सारे सीटों में मिलेगा, लेकिन गेट डाटा हमने इसका नाम चेंज कर दिया। अब हम यहां पे लिखते हैं 1200, फॉर एग्जांपल। अब हम किसी भी सीट में जाते हैं और वहां पे जाके कहते हैं इक्वल टू गेट डाटा, और जैसे हम इसको ओपन क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, ओ सॉरी, सिर्फ गेट डाटा करना था, इक्वल टू लगा के, तो उसकी वैल्यू हमको यहां पे मिल जाएगी किसी भी सीट में, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग खाली यहां पे इक्वल टू I3 करें, सॉरी यहां होना चाहिए, I3 था ना वहां पे भी, इक्वल टू I3 करें, तो ये इस सेल की वैल्यू उठाएगा, इस सीट की वैल्यू उठाएगा, यानी I3 का जो स्कोप है वो सिर्फ इस सीट पर है, दूसरे सीट पे नहीं है। अगर आपको दूसरे सीट से लाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू सिंगल कोट मार्क SHETC2, उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन साइन, और उसके बाद I3, आई थिंक ये आ गया। नहीं समझ में आया, क्या समझे बताइए। ये 1200 कहां से आया, दूसरे सीट से था। उसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि सीट का नाम लिखिए
ये एक्सप्लेनेशन साइन बोलते हैं इसको, और उसके बाद सेल का नाम लिखिए, तब ये चीज आएगी। सर, जो सीट में 1200 उसका सीट का नाम लिखिए। हाँ, जिससे आपको लाना है, जिस सीट से वैल्यू लानी है उसे, उसके लिए तो इतना लंबा प्रोसेस है, समझ रहे हो आप? ज्यादा हो रहा है क्या? क्या बोले, फिर से बोलिए। बिल्कुल, हम क्या आपको बताना क्या चाह रहे हैं, हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि इस सीट में हर सेल का अपना एक नाम है, yes. है या नहीं है? दूसरे सीट में भी वही नाम है, तीसरे सीट में भी वही नाम है, चौथे सीट में भी वही नाम है। अगर आपको, अगर आपने सिंगल इक्वल टू आई थ्री किया तो क्या होगा कि इस सीट की वैल्यू आपको मिलेगी, क्लियर है? ठीक है, अगर आपको दूसरे सीट से उसी सेल की वैल्यू, जैसे आई थ्री की वैल्यू आपको चाहिए दूसरे सीट से, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू सिंगल कोट मार्क, ठीक है, सीट का नाम सीट टू, ओके, उसके बाद एक्सप्लेनेशन साइन, और उसके बाद आई थ्री। तो अब ये क्या करेगा, अब ये इस सीट की, इस वाले सेल की वैल्यू आपको देगा, क्लियर हो गया? हाँ, कोई भी सीट का, आप किसी भी सीट का ला सकते हो। अभी सिंपल आई थ्री किए तो इस वाले सीट का वैल्यू दे दिया ना, लेकिन हमको दूसरे सीट से चाहिए तो फिर हमको ये काम करना पड़ेगा, क्लियर हुआ? अभी एंटर लगाते हैं, 1200 आना चाहिए, आ गया 1200। अब अगर हम वहां जाके अपडेट कर दें या 1500 कर दें, तो देखिएगा कि वहां पे भी 1500 हो जाएगा, क्योंकि हम सेल की वैल्यू उठा रहे हैं। देखिए 1500 हो गया, क्लियर हो गया? अच्छा, अगर हम इतना लंबा ना करना चाहें तो हम क्या करेंगे, उस सीट सेल का नाम चेंज कर देंगे, जैसे हमने यहां पे गेट डाटा कर दिया। अभी कहानी क्लियर हो गई? नहीं, सेल का नाम कहां से चेंज किया समझ में आया? अब इसका हम आई थ्री कर देते हैं, फिर से वापस आई थ्री। नहीं, अब ये चेंज नहीं करेगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने सेल का रीनेम कर दिया, नाम चेंज कर दिया, और वापस आप उसको चाहते हैं कि नहीं जी वो वापस पहले वाला आ जाए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो बेटर है कि हम इसका नाम ना चेंज करके हम सीधा सीधा सीट का रेफरेंस दें। इसको सीट का रेफरेंस देना बोलते हैं, जो हमने सीट एक्सप्लेनेशन साइन दिया था उसको सीट का रेफरेंस बोलते हैं। सीट का रेफरेंस दें और वहां से डेटा उठा लें, ठीक है? ये समझ में आया आपको, कंसेप्ट क्लियर आया, आ गया? चलिए, तो एक काम करते हैं हम, और उसका एक और तरीका देखिए आपको क्या है, कि हम यहां पे लगाते हैं इक्वल टू। हमने कहा एच एल डबल ओ के यूपी, ठीक है? अभी हमसे क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। हम बोलते हैं लुकअप वैल्यू हम इस वाले सेल में देंगे, ध्यान दीजिए, इस वाले सेल में जो चीज हम डालेंगे वो लुकअप वैल्यू में आ जाएगी, ओके? हमने लगाया कॉमा, फिर बोलता है टेबल एरे, तो टेबल एरे के लिए हम चले जाते हैं इस वाले सीट पे। तो जैसे ही सीट में आए, देखिए ये सीट आ गया, और उसके बाद हम यहां से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हो गया, ये सीट का नाम आ गया और ये रेंज बन गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, या डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हो, या सीट को रीनेम, इसका सेल को रीनेम कर सकते हो, जो भी हम आपको गेट डाटा करके बताए थे वो काम भी करते हैं। लेकिन अगर वो काम करते हो तो फिर उसका नाम वापस आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो उसको इग्नोर करो और इस पे फोकस करो, ठीक है? अब यहां पे आ गए हम, उसके बाद हमको क्या चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हम बोलते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर हम यहां से देंगे, हाँ भाई सॉरी, रॉ इंडेक्स नंबर। ओ तो ये रॉ इंडेक्स नंबर बोलता है तो ये गलत है, ये वी लुकअप होना चाहिए, वो करेक्ट है, एच लुकअप नहीं होगा, ये वी लुकअप ही होगा। तो रॉ इंडेक्स नंबर हम यहां से देंगे, सॉरी कोई बात नहीं, भी कॉलम हो जाएगा वो, और उसके बाद इसको बोलेंगे ट्रू, यानी कि जीरो। जीरो का मतलब सॉरी वन का मतलब ट्रू होता है और जीरो का मतलब फॉल्स होता है, तो हम यहां बोलते हैं वन। हमको एग्जैक्ट चाहिए, सॉरी जीरो बोलेंगे, एग्जैक्ट मैच चाहिए, मिलता जुलता नहीं चाहिए। ये क्या बोल रहा है, एक्सपोमेटली मैच, और ये कहता है एग्जैक्ट मैच, तो हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए।
हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर लगाते हैं, गड़बड़ हो गया। हम इसको कहते हैं हमको चाहिए वी लुकअप, एच लुकअप नहीं चाहिए, वी लुकअप चाहिए। वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर आ गया, एक मिनट हम इसका नाम चेंज कर ही देते हैं, ठीक है। चलिए दोबारा से देखिएगा आप लोग, और इसमें हम एक काम और करते हैं, हम यहाँ पे एक इंसर्ट रॉ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये कॉलम वन है, कॉलम टू है, कॉलम थ्री है, कॉलम फोर है, कॉलम फाइव है, कॉलम सिक्स है, कॉलम सेवन है, ठीक है। ये कॉलम इंडेक्स नंबर हुआ, कॉलम का नंबर मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर, ओके क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा चलिए, आपको उतना दूर नहीं लेके जाएंगे हम, यहीं पे आपको बहुत सारा कंफ्यूजन दिख रहा है आपके चेहरे पे, हम यहीं पे बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कॉलम इंडेक्स नंबर समझ में आ गया, इक्वल टू एच एल डबल ओ के यू पी, एच लुकअप। उसके बाद इसने क्या कहा कि लुकअप वैल्यू दीजिए, तो हम बोलते हैं लुकअप वैल्यू हम यहां से देंगे, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि जो चीज हम यहां डालेंगे वो यहां पे लुकअप वैल्यू में आ जाएगी। हमने कहा कॉमा, उसके बाद ये बोलता है टेबल एरे दो, तो टेबल एरे मेरा ये वाला है, पूरा डेटा मतलब टेबल एरे, ठीक है। हमने कहा कॉमा, उसके बाद कहता है रॉ इंडेक्स नंबर दो, तो हम बोले रॉ इंडेक्स नंबर हम यहां से देंगे, कॉमा। उसके बाद बोलते हैं कि हमको क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम बोलते हैं जीरो और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये रिजल्ट हमको नहीं दिया, नहीं दिया। अब यहां पे हम लिखते हैं अंकित, ये क्या हुआ लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मतलब किस वैल्यू से आप सर्चिंग करना चाहते हो, तो हम अंकित के नाम से देखना चाहते हैं कि अंकित के सातवें नंबर कॉलम में क्या वैल्यू है। ये गड़बड़ कर दिया, क्यों गड़बड़ किया, यही था ना, ओ जस्ट अ मिनट, ये क्या प्रॉब्लम हुआ है मैं बताता हूं आपको, यहां से लेना था इसको, वो अभी भी नहीं आया, लुकअप वैल्यू अंकित, अंकित सही है, वन, ओहो ये क्या हुआ है, रॉ इंडेक्स नंबर हमने दे दिया है, वी लुकअप होना चाहिए था यहां पे। अब ये देखिए, अंकित के सातवें नंबर कॉलम में ये वैल्यू पड़ी हुई है, क्या सही है, 12,604 रुपया, हैं? हाँ नेट सैलरी, तो आप देखिए यहां पे भी एक अंकित है, यहां पे भी एक अंकित है। अब ये कौन सा अंकित को उठा लिया, इस वाले अंकित को उठा लिया, नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ, आखिर अगर अंकित को उठाना था तो ये पहला वाला अंकित उठाना चाहिए था ना, ऊपर से सात नंबर ले लिया, तो सात नंबर तो ये है ना, कॉलम इंडेक्स नंबर हम दे रहे हैं सात, तो कॉलम इंडेक्स नंबर तो ये है सात। अच्छा चलिए एक और नाम चेंज करके देखते हैं, अनिल, ओ अनिल नाम का कोई नहीं है, ये देखिए 11,645। अब अनिल क्या है, तो हम इसका दो नंबर कॉलम देखेंगे, तो अनिल सेल्समैन है, मतलब कि हमको ये डेटा निकालने के लिए इस टेबल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्लियर हुआ। अब यही काम हम दूसरे पेज पे करें जो अभी आपको यहां दिखाएं, चलिए हम आ जाते हैं यहां पे। अब ये काम करते हैं, इसका नाम हम रीनेम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका रीनेम करने से आपको हम क्यों बचाना चाह रहे हैं, इसका एक कारण समझिएगा, आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा अभी, उसके ऊपर आपको काम करना। इसका नाम हम रीनेम करने से आपको इसलिए बचाना चाह रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आप इतने को रीनेम करें और बाद में ये चीज बढ़े, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि इतना ही रहेगा, तो अगर आप इतने को रीनेम कर देते हो और बाद में अगर और चीजें बढ़ जाती है तो फिर आपको करना पड़ेगा,
इसलिए इस चीज से आपको बचना है, ठीक है। देखिए यहां पे ऑलरेडी किया हुआ है मेरे ख्याल से, इसका नाम नहीं चेंज नहीं किया हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आपका डेटा कहां तक आएगा, तो आप ऐसे सिलेक्ट कर लो। तो ये आपका डेटा है, ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो, यही है ना, रेंज में ही बन रहा है, हटा देते हैं, आ जाते हैं यहां पे, हम बोलते हैं इक्वल टू, एस था या बी था, बी था, वी लुकअप, बोलते हैं लुकअप वैल्यू यहां से लेंगे, उसके बाद टेबल एरे, तो क्या था सीट, सीट टू का जो हम कॉपी करके लाए थे, यही लाए थे, यही लाए थे ना, वो एक वो कोट मार्क छूट गया, ठीक है। और उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर यहां से लेंगे, और उसके बाद बोलते हैं मैच एग्जैक्ट जीरो, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, कुछ नहीं आया, अभी आ गया डेटा 8500 रुपया, अनिल कपूर का जो तीसरा नंबर कॉलम है उसमें 8500 होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कि 8500 है कि नहीं, 1 2 3 8500 है, यानी कि हम इस पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ये कहानी, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आपको पुराना वाला काम दिखा रहे हैं, जो आपने फॉर्मेट बनाया है उसी से रिलेटेड, कहां गया, क्या नाम से था, जीएसटी करके था ना कुछ, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या आ रहा है, कस्टमर डिटेल आ रहा है, यहां पे कस्टमर का नाम है, ठीक है ना, ठीक है। अगर ये कस्टमर का नाम चेंज हो, तो अगर उसका कोई बैलेंस है, तो यहां पे हमको उसका बैलेंस शो हो जाए। जैसे ये नाम चेंज हो तो उसका बैलेंस हमको यहां पे शो हो जाए, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल ये पीओएस के जगह उसका प्रीवियस बैलेंस लिखा हुआ है, तो हमको वो बैलेंस शो हो जाए, हमको उसके लिए उसके लेजर में जाके चेक करने की जरूरत ना पड़े। चलिए तो एक काम करते हैं, हम एक बैलेंस वाला बनाते हैं सीट, हम आते हैं यहां पे और सॉरी इसमें आ जाते हैं, हम दो सीट और ले लेते हैं। चलिए यहां पे फटाफट नाम बताते जाइए अपना अपना, तो कुलदीप, कुलदीप मान लीजिए इसका बैलेंस 1200 है, चलिए फटाफट, जितेंद्र 1800, अपना अपना बैलेंस याद रखिएगा, ठीक है। ये मेरा कस्टमर का बैलेंस है, ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं। तो जाहिर सी बात है कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और कॉलम इंडेक्स नंबर 2, क्लियर ना, ठीक है ना यहां तक, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, यहां पे हम एक चीज बनाएंगे ड्रॉप डाउन बटन के साथ,
कि हमारा कस्टमर का नाम हमको टाइप ना करना पड़े, चलिए हम टाइप करेंगे अभी फिलहाल। ओके, सपोज करिए ये मेरा कस्टमर नेम है और इसका बैलेंस है, ठीक है ना, ड्यू। ओके, कोई दिक्कत? दिक्कत है क्या? नहीं। यहां पे हम कस्टमर का नाम टाइप करेंगे तो जैसे ही टाइप करेंगे तो उसका बैलेंस हमको यहां दिख जाए, हमको उस सीट पे जाके देखने की जरूरत ना पड़े। क्लियर हो गया? चलिए तो फार्मूला लगाते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि कहां से रेंज बनेगा, तो इक्वल टू एक बार चेक कर लेते हैं, इक्वल टू, और सिंपल आप देखोगे तो आपको रेंज पता चल जाएगा कि ये यहां से यहां तक है। क्लियर है ना? अब इसको कॉपी कर लो एक बार, क्योंकि आपको ये चाहिए ना, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। चाहिए कि नहीं चाहिए सीट के नाम के बाद? चलिए तो यहां पे लगाना पड़ेगा हमको वो फार्मूला। नहीं, बोलते हैं सॉरी, इक्वल टू वी ना, वी एल डबल ओ के यूपी, वी लुकअप, बोलता लुकअप वैल्यू दो, तो हम बोलते हैं यहां से नाम डालेंगे। उसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे के लिए एक सिंगल कोट मार्क एस एस डबल ई टी, सीट क्या था? फोर ना, सीट फोर का यहां ये वाला रेंज, ठीक है, और कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होगा मेरा? टू हो जाएगा, टू ही होगा ना, और हमको क्या चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो जीरो और एंटर। अब यहां पे डालते हैं हम प्रमोद, करेक्ट आया ये कंसेप्ट समझ में आया? तो हमको बैलेंस देखने के लिए इस सीट पे जाने की जरूरत है? नहीं है। समझ में आ गई बात? कोई इशू? पक्का? ओके, सब उसी तरह से। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जितेंद्र। यही बैलेंस है? क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमको बार बार नाम टाइप करना पड़ रहा है। हम क्या चाहते हैं कि हम नाम टाइप ना करें, ठीक है, एक बार नाम डाल दें और बार बार हम उसको यूज करें, ठीक है। चलिए इसको समझिए कि इसको, इस काम को हम कैसे करेंगे। इसके लिए आपको जाना है डाटा में, ठीक है, और डाटा के बाद आना है डाटा वैलिडेशन में, ठीक है, ओके। उसके बाद आना है आपको लिस्ट में, समझ में आ गया? कहां कहां गए? पहले डाटा में गए, उसके बाद डाटा वैलिडेशन में गए, और उसके बाद लिस्ट में आ गए। लिस्ट में आने के बाद यहां पे आपसे बोलेगा सोर्स, ठीक है। सोर्स में आपको करना यह है कि आप अपने सीट पे चले जाओ, ये जाने नहीं देगा आपको, नहीं जाने दे रहा ना। ये है मेरा वो सोर्स जहां से हम डेटा ले रहे हैं, यही है ना लिस्ट? नहीं, ये लिस्ट नहीं बनेगा, लिस्ट बनेगा आपका ये वाला, यही है ना। तो एक काम करते हैं, इसका भी सोर्स चेक कर लेते हैं, इक्वल टू A1 से A9। अच्छा, नाम चेंज करने पे फोकस नहीं करना, नाम चेंज करने पे फोकस करोगे अगर ये नाम बढ़ेगा तो फिर आपका नाम खराब, वो रीनेम खराब हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं कि ये मेरा सोर्स होगा सीट टू में, है ना। यहां पे बनाना था, जहां पे आपको करना है वहां पहले आप कर्सर रख लोगे, डाटा वैलिडेशन लिस्ट सोर्स बोलता है, हमने कहा इक्वल टू सिंगल कोट मार्क एस एच डबल ई टी सीट वन, सॉरी सीट फोर, नहीं एक्सप्लेनेशन साइन, और ये रहा पेस्ट, यही से डेटा चाहिए हमको, ये मेरा सोर्स हो गया, हमने कहा ओके। तो अब आप देखिए यहां पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया और लिस्ट में सारे नाम आ गए। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? वही काम किए ना, इसमें हम दोनों उठा रहे थे, इसमें सिंगल उठाए, नाम वाला खाली उठाए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहां पे अब हम लिख देते हैं कस्टमर नेम,
और यहाँ पे ड्यू बैलेंस, ठीक है, हमने कहा इक्वल टू, फिर से वही कहानी। तो एक काम करें, हम इसको कॉपी पेस्ट कर लें, यहाँ पे तो फॉर्मूला है ना मेरा, इसी को कंट्रोल सी और यहाँ पे आके कह देते हैं, सॉरी कंट्रोल वी, ओके आ गया। लेकिन ये यहां से ले रहा है ना, ये ए थ्री तो नहीं लेना चाहिए, ये वाला लेना चाहिए, ये वाला सेल देना है ना हमको, यहां से लुकअप वैल्यू जाएगी। ओके अब देखते हैं, कुलदीप 1200, जितेंद्र 1800, शिव नारायण 6700, करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? नागेंद्र, ओके। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि जैसे ही यहां पे कस्टमर का नाम चेंज हो तो उसका बैलेंस चेंज हो जाए, ठीक है। अब आपको फिर से हम अपने पुराने वाले काम पे लेके आते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है, प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट का रेट क्या है ये हमको नहीं पता, ठीक है। अभी जो आपने फॉर्मेट बनाया ना, ये काम उसी में होगा, ठीक है, उसी फॉर्मेट में होगा। अब ये प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट का रेट हम अपने अलग सीट में लेकर रखे हुए हैं, क्योंकि जितने प्रोडक्ट हम खरीदते जा रहे हैं वो सबका स्टॉक बनाते जा रहे हैं, और ये प्रोडक्ट का नाम वहां पे है और उसका रेट भी वहीं पे है। जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट को चेंज करें, ऑटोमेटिक उसका रेट आ जाए और ये सारा कैलकुलेशन हो जाए और हमारा फाइनल बिल जनरेट हो जाए, उसपे कितना जीएसटी लगा हुआ है वो आ जाए। जैसे हम आपको एक काम दिखाएं, चलिए आपको हम एक काम दिखाते हैं। क्या हुआ कुलदीप, मजेदार है? हाँ? क्या बोले, मजा आएगा? लंबा है? लंबा कुछ नहीं है, दो ही चीज बता, शायद आप लोग को थोड़ा छोटा कर दिया तो कम दिखे, पर फिर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है, ये सेल्स का इनवॉइस है, सेम काम आप थोड़ा छोटे में कर रहे हो, ये थोड़ा बड़े में है, ओके। अब यहां पे क्या है, कस्टमर नेम, ठीक है, हम यहां पे कस्टमर नेम सर्च करते हैं, एम एन मानसी गुप्ता। अब जैसे हमने मानसी गुप्ता लिखा भी नहीं, लेकिन उसका कस्टमर का प्रीवियस बैलेंस आ गया, उसके सारे डिटेल आ गए, आगे नहीं आ गए, ठीक है। रचना अग्रवाल, रचना अग्रवाल का एड्रेस आ गया, उसका प्रीवियस बैलेंस नहीं आया क्योंकि है ही नहीं। अच्छा, मानसी गुप्ता का जरा हम देखते हैं कस्टमर में जाकर के ओपनिंग बैलेंस। तो ये देखिए, मानसी गुप्ता है यहाँ पे, प्रीवियस 10,000 रुपया है। अब बोलोगे 10,000 है सर, तो फिर उसका बैलेंस कैसे बढ़ गया, इसका कुछ परचेज होगा। बहरहाल ये आपको कंसेप्ट समझ में आया कि हम क्या आपको कराना चाह रहे हैं, कि जैसे कस्टमर का नाम चेंज हो उसका बैलेंस चेंज हो जाए, उसका एड्रेस आ जाए। क्लियर हो गया? हाँ, ये काम आप कर लोगे वी लुकअप से या एच लुकअप से। उसके अलावा अब यहाँ पे देखिएगा 5990, अब हमने एक कोड डाला, ये आइटम का नेम आ गया, किस कंपनी का है वो आ गया, दिख रहा है आपको, छोटा छोटा दिख रहा होगा। अब आप देखिए, ये सारी चीजें इस कंपनी के, मतलब इस आइटम का नाम डालते ही सब कुछ आ गया, बस हमको क्या डालना है, रेट। रेट डाल दिया सपोज 25,000, क्वांटिटी 1, तो ऑटोमेटिक सारा काम हो रहा है, बिल जनरेट हो गया। यही काम आपको अपने इस वाले कंसेप्ट में करना है,
कहाँ गया, यही था ना? क्या नाम था? जीएसटी। कि जैसे हम यहां पे कस्टमर सेलेक्ट करें उसका सारा एड्रेस वेड्रेस सब आ जाए, ठीक है। जैसे हम आइटम का नाम चेंज करें तो उसका एचएसएन कोड क्वांटिटी हमको डालना पड़ेगा, यूनिट आ जाए या हम डाल दें, या रेट आ जाए, उसके बाद अमाउंट कैलकुलेट हो जाए, डिस्काउंट देना है नहीं देना है, जीएसटी क्या लग रहा है वो आ जाए, एसजीएसटी क्या लग रहा है वो आ जाए, ठीक है। तो ये सारे काम पॉसिबल है, हो सकते हैं यूजिंग एच लुकअप और वी लुकअप। उसके अलावा लिस्ट जो हम भी आपको हम बताएं डाटा वैलिडेशन से, क्लियर हो गया? तो अभी आप लोग कल इसको चेक करोगे और कोशिश करोगे कि ये काम आपसे हो जाए। ओ कल संडे है, सॉरी, तो फिर परसों, ठीक है ना? तो ओके, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है फिर।